हेलो नमस्ते प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल द फूड डिस्कवरर। मैं हूं आप सबका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सावन सिन्हा, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग की ऐसी डिमांड आ रही थी गोपालगंज टाउन में लोकल में कुछ ऐसा स्ट्रीट फूड दिखाया जो इजिली वहां पे जाया जा सके, 10 मिनट 5 मिनट के डिस्टेंस पे हो, कुछ सस्ते में कुछ बढ़िया हो। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ चिकन सीख कबाब। ये चिकन सीख कबाब है, ये मनोज जी है, मनोज जी बनाते हैं चिकन सीख कबाब। और चिकन सीख कबाब की सबसे अच्छी खासियत ये है कि बिल्कुल ताजे चिकन से बनाया जाता है। यहीं बगल में यहाँ पे चिकन मंडी है जहाँ से चिकन ये मंगाते हैं, और ताजे चिकन से यहाँ पे चिकन सीख कबाब ये बनाते हैं। और इसके साथ ही इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मसाला डालते हैं, देसी मसाला जिसको कहते हैं, उसको ये खुद से कुटवा के, जिसमें क्या क्या डालता है मनोज जी, इसमें हल्दी मिर्च हल्दी डालते हैं, देसी हल्दी, देसी मिर्च, अदरक लहसुन वगैरह, मतलब सब कुछ पूरा एक मसालेदार सारी चीज़, सारे मसाले इसमें पड़ते हैं। अदरक लहसुन हो गया, गरम मसाला भी डालते हैं, गरम मसाला भी इसमें डालते हैं जिसमें काली मिर्च और सारी चीज़ें होती हैं, तो एक बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसको कितनी अच्छी तरीके से कोयले की आँच में सेका जा रहा है, और कोयले की आँच में सेकने की वजह से जो सीख कबाब होते हैं उसमें जो एक कोयले का जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो इसके टेस्ट को और ज़्यादा लाजवाब बनाता है। जैसे जैसे सीख कबाब पक रहे हैं इनका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहा है। मनोज भाई के सीख कबाब टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी सस्ते भी हैं। जी हाँ, ये सिर्फ 15 रुपये में आपको यहाँ एक स्क्यूअर, जो एक रॉड है इसका, ये मिल जाएगा यहाँ पे। इनका स्टॉल गोपालगंज बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में लगता है, रोज़ शाम को 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक, जो अंबेडकर चौक पे गोपालगंज का जो मेन बस स्टैंड है वहीं पे ये बगल में ही अपना स्टॉल लगाते हैं शाम को। लेकिन आप अगर थोड़ा पहले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर लास्ट आवर्स में हम यहाँ आते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमें सीख कबाब मिल पाए। तो आप कोशिश कीजिए कि 8 बजे तक आप यहाँ इनके स्टॉल पर आ जाएँ तो आपको सीख कबाब यहाँ पर ईज़िली मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बारी है सीख कबाब के टेस्ट में 4 चांद लगाने वाली चीज़ की, और ये है हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट स्नैक्स, जिसको आमतौर पे गांव में हर जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसको भूजा कहते हैं बिहार में। फ्रेंड्स, भूजा काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम होता है या ना के बराबर होता है। इसको रोस्ट किया जाता है, इसको भुना जाता है, और भून के इसको हर एक चीज़ों को, जैसे चावल, चना, मक्का, इन सारी चीज़ों को भून के इसमें मिलाया जाता है, और ये जो मिक्सचर होता है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा सीख कबाब तैयार हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ये भुजा कहाँ से लेके आए हैं। ये गोपालगंज में जो मौनिया चौक है उसके पास एक स्टॉल लगती है, मैं आपको स्टॉल भी दिखा रहा हूँ कहाँ पर है। और यहाँ इनके पास हर एक जो भी जितने चीज़ें इसमें मिलाए जाते हैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़े, और साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ये ध्यान रखते हैं। फ्रेंड्स, भुजा बहुत ही क्रंची होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको नमी से बचा के रखा जाए, और ऐसा ही ये करते हैं, तो इसी वजह से इनका जो भुजा होता है वो काफ़ी क्रंची और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गोपालगंज में हैं तो एक बार इनके यहाँ का भुजा ज़रूर ट्राई करें, और आप खुद समझ जाएंगे कि भुजा को बिहार का सबसे बेस्ट स्नैक्स क्यों कहा जाता है। इनका स्टॉल मौनिया चौक से जब जादवपुर रोड पर हम जाते हैं तो थोड़े दूर आगे जाके यात्री होटल से पहले राइट हैंड साइड पे आपको इनका स्टॉल दिख जाएगा, जहाँ ये अपना भुजा बेचते हैं, और बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने अपने स्टॉल को, तो आपको दूर से इनका स्टॉल दिख जाएगा। तो आप जब भी गोपालगंज में आएँ या आप गोपालगंज में अभी हैं तो आप प्लीज़ इनका भुजा एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसको भुजा कहते हैं, ये भुजा हमारे यहाँ का, ये बहुत ही एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो नुकसान करें। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें चने का जो है, ये इसको चना चूर गरम कहते हैं, ये है, ये मक्के से बनाया जाता है, इसको कॉर्नफ्लेक्स टाइप का होता है ये, और ये चावल का पोहा चिड़वा जिसको बोलते हैं, ये है, और लाई, और वो है मूँगफली है इसमें, और इसका कॉम्बिनेशन जो है मिर्च, हरी मिर्च, प्याज और नमक के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन होता है। और जब इसको हम खाते हैं अपने सीख कबाब के साथ, सीख कबाब हमारा सर्व होने वाला है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सीख कबाब, इसका लाजवाब एक टेक्सचर जो है, दिखाइए मनोज भाई, आप देख सकते हैं क्या एक लाजवाब इसका टेक्सचर है, इतना बेहतरीन तरीके से सीख चुका है बिल्कुल। इसके ऊपर चाट मसाला भी इन्होंने दिया हुआ है, तो
अब मैं एक्सप्लोर करूंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा है, एक तो देखे एक तो भुजा, ऊपर से ये सीख कबाब इतने बेहतर तरीके से सीखा गया है इसका, इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने रोस्ट किया है कि, और इसमें मसाले भी हैं, ऐसा नहीं कि बिना मसाले का है। और इसका जो टेक्स्चर आ रहा है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा, कितना बढ़िया, एकदम बिल्कुल ये जूसी जूसी सा लग रहा है, और खाने के बाद भी एकदम ऐसे मुँह में घुल जाता है, इसका इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मैं खा के एक आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा इसका, बिल्कुल देखिए जैसे एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका है, एकदम जूसी सा इसका फ्लेवर है। ये ताजे चिकन की वजह से इतना बढ़िया इसका जो टेक्सचर है, इतना बढ़िया जो इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है मसाले को, तेल को, ये बस ताजे चिकन की वजह से है। तो ताज़ा चिकन में ही सीख कबाब बनाना चाहिए। तो खा के देखते हैं कि कैसा लगता है, एकदम लाजवाब मुँह में रखते ही एकदम जैसे तंदूरी चिकन का जो टेस्ट आता है बिल्कुल वैसा ही है। ऊपर से जो इन्होंने मसाले लगाए हुए हैं उसका टेस्ट तो मुंह में डालते ही जैसे एकदम आ रहा है कि यम्मी सा। और चिकन के अंदर इतने अच्छे तरीके से जो ये मसाला है, इतने अच्छे तरीके से चिकन ने इसको एब्जॉर्ब किया हुआ है कि खाने के बाद पूरे मुंह में एकदम स्वाद आ जा रहा है, और इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है, इतना मज़ेदार कि बिल्कुल मज़ा आ जा रहा है। और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए फूड डिस्कवर। लगता है मैं खाखा के मोटा हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये है मनोज जी जो यहाँ पे सीख कबाब बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी। तो अगर आप गोपालगंज में है तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में। ये लगाते हैं कितने बजे से? शाम को 4:30 बजे से और रात को 9:30 बजे तक। शाम को 4:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब सीख कबाब बनाते हैं। बिल्कुल ताजे चिकन से अपना सीख कबाब बनाते हैं यहाँ पे, जिस वजह से इनके सीख कबाब का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है, बहुत ही यम्मी होता है। तो यहाँ ज़रूर आइए और मनोज जी के सीख कबाब ज़रूर खाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट अगर आप गोपालगंज में हैं तो। दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जहाँ भी मैं जाऊँगा आप लोगों को दिखाता रहूँगा अच्छी अच्छी चीज़ें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द फूड डिस्कवरर।